हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टर शेफ गुड़िया में। आज हम बनाने वाले हैं आंवले का तेल। आंवले का सीजन है फ्रेंड्स। आंवला तो आप लोगों को पता ही होता है कितना ज़्यादा अच्छा होता है, कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है बालों के लिए। आंवला हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग तो करता ही है। आंवला हमारी स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। आंवले को हमेशा खाना चाहिए, आंवले के तेल को हमेशा लगाना चाहिए। कभी कभी छोटे बच्चों को उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं, ऐसे में टेंशन हो जाती है उन छोटे बच्चों के बालों को क्या करें। जो बड़े होती हैं वो तो बालों में कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पर छोटे बच्चों का क्या करें, उनके लिए बड़ी टेंशन हो जाती है। ऐसे में उन बच्चों के लिए ऐसे आंवले का तेल इस्तेमाल करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो घर का बना हुआ तेल है तो बच्चों के बाल इससे ख़राब नहीं होते, कभी सफ़ेद नहीं होते। आंवले के तेल लगाने से स्मूथ और सिल्की बने रहेंगे, बच्चों के बाल बहुत अच्छे रहते हैं। तो घर में आंवले का तेल बनाइए और बच्चों के बालों में लगाइए और हर टेंशन से आप मुक्ति हो पाइए। तो चलिए आंवले का तेल घर में बनाते हैं। आंवले का तेल बनाने के लिए हम 1/2 kg आंवला लिए हैं। तो आंवले बहुत छोटे छोटे हैं, ये मेरे यहाँ पेड़ है उसी के आंवले हैं, तो छोटे छोटे हैं इसलिए बहुत आसानी से कट जा रहे हैं। तो इनको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। बीज को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये जब तेल पक जाएगा तो उसमें जब आप छन्नी से छानेंगे तब वो आसानी से निकल जाएगा सारा। तो अभी इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लेना है। ये देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़े में सारे कट कर लिए हैं। अब चलिए तेल को बनाते हैं। तो हमने आयरन की कढ़ाई लिया है। आयरन की कढ़ाई बालों के लिए, शरीर के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी होती है इसकी, क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसलिए हम आयरन की कढ़ाई बना रहे हैं, आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं। तो हम देखिए आंवला डाल दिए हैं। इसमें हम नारियल का पैराशूट का ऑयल लिए हैं, जो आता है कोकोनट का ऑयल, उसको इसमें डाल देंगे। तो हमने 250 से 300 ग्राम हमने तेल लिया है, तो उसको इसमें डाल दिया है। ये देखिए आंवला पकना चालू हो गया। तो फ्रेंड्स, एक इसमें बहुत ज़रूरी बात है कि आप जब भी आंवले का तेल बनाइए, गैस को एकदम सिम रखिए, ना मीडियम करना ना हाई करना, एकदम सिम पे रखना है, ताकि ये धीरे धीरे आंवला अच्छे से पक जाए और इसमें जो अंदर जूस होता है आंवले में वो अच्छे से तेल में मिल जाए, ताकि बालों के लिए बहुत ही अच्छा हो, तभी अच्छे से तेल तैयार होगा। तो जब ये धीरे धीरे पक जाएगा तब ये काला होने लगेगा। तो अभी धीरे धीरे पक रहा है, बीच बीच में इसे चलाते रहिए आप। ये देखिए पकते पकते ऐसे इसका कलर हो गया है एकदम धीरे धीरे, बहुत देर से पक रहा था ये, हमने छोड़ दिया था इसको, बीच बीच में चला दे रहे थे। अब देखिए इसका कलर कैसे हो गया, आपको दिखाते हैं। तेल देखिए, तेल तो ऐसे ही क्लीन है, इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। आंवला काफ़ी होता है बालों के लिए, बहुत ही आरामदायक और बहुत ही लाभकारी होता है आंवला। तो ये देखिए तेल एकदम रेडी हो गया। आंवले का जो हमने कट करके डाला था उसका भी कलर एकदम ब्लैक हो गया है, तो इसका मतलब ये पक गया है। तो हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था, जब ठंडा हो गया तो चलिए इसको छान लेते हैं छलनी से। तो देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है और इसका जो है स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जब ये आंवले का तेल आप कुछ दिन के लिए रख देंगे, थोड़ा थोड़ा ब्लैक होने लगेगा। आंवले का तेल एकदम बनके रेडी है, इसको हम जार में रख दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसको आप घर में बनाइए और ख़ुद लगाइए और बच्चों को भी लगाइए। बहुत ही नेचुरल है ये आंवले का तेल और बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी बना सकें, क्योंकि सबके बाल सफ़ेद होते रहते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।